वॉर जोन से जुड़ी सबसे नई साजिश। अमेरिका में ईरान का जेम्स बॉन्ड बेनकाब, लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तस्करी का आरोप। दुनिया इस वक्त जंग के बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग हो या फिर ईरान और इसराइल के बीच मचे घमासान की कहानी, हर तरफ बारूदी साजिशों की खबरें सुर्खियां सबब बन रही हैं। जंग से जुड़ी इन्हीं खबरों के बीच अमेरिका से ईरान की साजिश की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जेफरी नाडर नाम के एक शख्स पर लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तस्करी का आरोप लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये शख्स मैकडोनल्ड डगलस F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की स्मगलिंग की साजिश में शामिल है। इसलिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जेफरी लड़ाकू विमान के पार्ट्स को ईरान पहुंचाने की कोशिश में जुटा था। खबर तो ये भी है कि 2023 की शुरुआत से ही नाडर और उसके सहयोगी करीब 30 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की चोरी के ऑपरेशन में लगे हुए थे। ईरान के इस जेम्स बॉन्ड की साजिश का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के स्पेशल एजेंट ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट के कई पार्ट्स को जब्त कर लिया, जिसके बाद ये पता चला कि इन पार्ट्स को यूएई के रास्ते ईरान पहुंचाया जाना था। इस सनसनीखेज मामले में जिस जेफरी नाडर नाम के शख्स पर आरोप लगा है वो कैलिफोर्निया के बेट्स कंपनी प्रो एरो कैपिटल से ताल्लुक रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया है कि जेफरी नाडर ने अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से हिस्से हासिल करने ईरान के खरीद आदेशों को पूरा करने की कोशिश की और दावा किया जा रहा है कि उनकी कंपनी लड़ाकू विमानों के पार्ट्स का इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि अब इस मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी एक्शन में आ गई है और लड़ाकू विमानों की तस्करी के असल मकसद को तलाशने में जुट गई है। साथ ही एजेंसी अब ये भी पता लगाना चाहती है कि तस्करी के इस साजिश में कितने किरदार शामिल हैं।